संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि जो है कोई जो है बिना दोष सिद्ध हुए अगर जो है हिरासत में जाता है तो वो इस्तीफा दे। तो आप बिना सबूत के ई का कहीं तो ऊ का कहीं तो उन्होंने कहा तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जब इसी पर आधारित आपका पूरा केस है टोटलिटी में, और एक अप्रूवर के जो मेन एक्यूज है उससे आपने पैसा ले लिया है 34 करोड़ रुपए, और आपने उसको सरकारी गवाह बना करके वो बाहर है और बाकी लोग जो है मतलब अंदर है, तो आपको सर नहीं लगता कि ये जो सारा खेल है या जो कांग्रेस को गेले ले 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 करके पता चल गया कि इसमें कौन कौन किरदार है, इसमें कोई पेगासस का रोल है कि नहीं? हालांकि अभी तक आपके किसी कार्यकर्ता ने, आपके लोगों ने, आपकी भीड़ ने दिल्ली के जो राउस एवेन्यू कोर्ट जहां इनके मामले की सुनवाई हो रही वहां कोर्ट के भीतर घुस करके हंगामा नहीं किया, लेकिन कल अगर ये भी हो तो इससे जो है क्या कहते हैं किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राजनीति तो राजनीति है, लेकिन केजरीवाल ने तो एजेंडा सेट कर दिया, हाँ वो कर दिया। हाँ तो ये है कि कहीं ना कहीं ये धमकी देने का उनको भी है कि भाई ये कि तुम जो है कांग्रेस को जो है जलील करो ताकि पब्लिक परसेप्शन उसका खराब हो। तो भाई पता चला कि राहुल गांधी ने भी दौर रूप अपना लिया, हालांकि सब बात अखबारों में नहीं निकली, गोदी मुखिया के दौर में सब क्या निकली। जेल से सरकार और दिल्ली में प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल जेल में है और जेल से सरकार चला रहे हैं। दूसरा आदेश जेल से ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पे इसलिए हैं कि जेल से कैसे सरकार चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले ये आदेश जारी किया था कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और दिल्ली में प्रदर्शनों के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी बौखला गई है? अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जेल से आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं, जनता को कनेक्ट कर पा रहे हैं, और इससे बौखलाहट है बीजेपी में, ये तमाम मसले हैं जिस पर चर्चा करने वाला। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नाम, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक सह एडवोकेट जेपी सिंह साहब हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली में चल रहा है क्या ये लोकसभा की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल ने दुखती रग पर पांव रख दिया है क्या, कि जो समझते थे कि डर के जेल में चला जाएगा और हम यहाँ पे बाजी मार लेंगे और लगातार जन कल्याण को लेकर जेल से आदेश दे रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए परेशानी का सबब? स्वागत है सर। देखिए साहब, वैसे तो अभी तक किसी भी सीएम ने जेल से सरकार नहीं चलाई केजरीवाल के पहले। जयललिता ने भी इस्तीफा दे दिया था जी, अभी लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया था, और अभी हेमंत सोरेन के बारे में भी कुछ जो है गलतफहमी लोगों को है, उनसे पूछताछ भले सीएम के रूप में हुई थी लेकिन उन्होंने जेल जाने के पहले जब गवर्नर के यहां जाकर के इस्तीफा दे। फिर ये हुआ कि क्या लालू मॉडल पर सरकार चलेगी, तो हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को नॉमिनेट किया, जबकि पहले हल्ला था कि वो अपनी पत्नी को ही जो है लालू जी की तरह अपनी गद्दी सौंप के जाए। अभी केजरीवाल जी के यहां भी ये हुआ कि केजरीवाल जी का जो चिट्ठी एक मिली वो उनकी पत्नी ने सुनीता जी पहली बार सार्वजनिक मंच पर आके उन्होंने उनको पढ़ा, तो ये भी राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा चली कि उनका मॉडल चल सकता है। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि जो है कोई जो है बिना दोष सिद्ध हुए अगर जो है हिरासत में जाता है तो वो इस्तीफा दे। लेकिन सरकार चलाने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल वीके सक्सेना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 239(a)(1) के ऑपरेशन को सस्पेंड करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 239(ab) के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की जा सकती है। केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद उपराज्यपाल कह सकते हैं कि उनके अधीन दिल्ली प्रशासन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। जी देखिए सर,
जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो एक प्रकरण मुझे याद आता है। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी की मैगजीन थी सूर्या इंडिया, उसने बहुरा जी के बारे में काफी आपत्तिजनक जो है वो स्टोरी छापी थी कि काफी पैसा वो है और सब जो है मतलब उनका परिवार उसको वो कर रहा है। इस पर उनके पुत्र विजय बहुना, जो बाद में कांग्रेस की तरफ से जो है मुख्यमंत्री भी बने, अब बीजेपी में है, आपके वो हाई कोर्ट के जज बने, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, वहां उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला जो है वो बुला के अपने कोर्ट से दे दिया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर वो सक्रिय राजनीति में आ गए, वो आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, बाद में वो जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब उनके लड़के वो मतलब पूरा परिवार सब जो है राजनीति में। उन्होंने इनके ऊपर एक मानहानि का मुकदमा इलाहाबाद जिला कचहरी में किया। मेनका गांधी संपादक थी और अमितेश्वर आनंद सूर्या की स्वत्वाधिकारी, सूर्या मैगजीन। तो ये लोग इलाहाबाद में आए, सीजीएम के कोर्ट में इनकी पेशी थी और पूरे कांग्रेसी जी कचहरी दीवानी कचहरी में प्रदर्शन करते हुए सीजीएम के कोर्ट में घुस गए और नारेबाजी धुआंधार हो रही थी। लंच के पहले सीजीएम के कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, लंच के बाद टाल दिया, और लंच के बाद टालने के बाद पुलिस बुला के कोर्ट खाली हुई, और बाद में लंच के बाद केवल जो है वो क्या कहते हैं मतलब अमितेश्वर आनंद और मेनका गांधी को ही कोर्ट के भीतर प्रवेश करने की अनुमति मिली, इनको जमानत मिल गई। तो मामला बाद में राजनीतिक जो है मतलब लेन देन या मतलब आपस में कैसे सिस्टम थे वो खत्म हो गया, लेकिन बहरहाल तो वो हुई। तो एक उस समय राजनेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट और एमपी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके मोहन सिंह जो इलाहाबाद आए थे, उन्होंने एक प्रेस ली थी। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई अभी तक तो खैर जिला कचहरी में प्रदर्शन हो रहा था, अब दीवानी कचहरी में भी जो है वो, तो उन्होंने एक शब्द कहा था, उन्होंने कहा कि भाई जो है इससे किसी को आपत्ति नहीं होने चाहिए, वो राजनीति कर रहा है, अगर कोर्ट की अवमानना हो रही है कोर्ट चलाए उन सब लोगों पर मुकदमा, कोई मना तो किए नहीं है कि भाई कोर्ट की अवमानना हुई, लेकिन भाई वो राजनीति कर रहा है, इस राजनीति करने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। ये उसी तरह है जैसे चरण सिंह गृह मंत्री के रूप में जब उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया और इंदिरा गांधी को जो है वो पुलिस बल लेके चला, तो बीच रास्ते में कांग्रेसी आके उनकी कार के आगे ले गए। तो एक प्रकार से ये न्याय में बाधा डालने का ही कथित रूप से प्रयास हुआ, जो आज की परिभाषा चल रही है कि न्याय में बाधा डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती, माने एक बार आपको गलत या सही पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर अब कोर्ट के ऊपर है, आप उसके ऊपर कोई जो है वो नहीं बना सकते। और कोर्ट भी इस समय ऐसी जो है वो राग दरबारी गाने वाली हो गई है, और कम से कम अधीनस्थ न्यायालय तो पूरी तरह हो गई है, जो पूरा केस इन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा, फिर वो आपस में एक दूसरे मतलब आपके पास कोई जो है साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर आप जो है वो क्या कहते हैं पीएमएलए या यूपी यूएपीए जैसे जो है वो कानून आप लगा करके लोगों को अनंत काल तक जेल में बंद रखने का प्रयास करते हैं। अब केजरीवाल के ही मामले को देखिए, उनका मामला के कविता से जुड़ा हुआ है जो तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी है, आज उनका जो है वो क्या कहते हैं 8 या 9 अप्रैल तक जो है वो उनकी हिरासत बढ़ा दी गई, कस्टडी ईडी की कस्टडी क्या, तो ईडी ने कहा कि हमको इनको और केजरीवाल को आमने सामने बैठा करके जो है वो क्या कहते हैं पूछताछ करनी है। और इसके पहले जो है वो क्या कहते हैं कविता से तमाम और लोगों को आमने सामने बैठा के ऐसा दावा किया गया कि पूछताछ हो चुकी है, मैं तो नहीं जानता कितने लोगों को किसको बुला के, मतलब उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा, मतलब आपके पास सबूत नहीं है इसका, एक ही जो है क्रिमिनल लॉयर होने के नाते या क्राइम आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर अपना ज्ञान होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास जब ये नहीं तो इन्होंने क्या कहा, आप उनके ओमिशन और
कंट्राडिक्शन और इसके ऊपर जो है आपने का पूरा केस का दारोमदार है, जो अदालत में जब चलेगा तो उसका चलना बहुत मुश्किल है। और इसी से संभवता यूएपीए पीएमएलए के कोर्ट में जो है वो सजा की दर बहुत कम या नगण्य है, जितना इसके ऊपर खर्च है और जितना इसके ऊपर जो है वो किया जाता। तो अब सवाल है कि पूरा मामला ये है। हाँ जी, अब केजरीवाल साहब ने इस बीच में, ठीक है कि वो है भाई, अभी तक जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई जो है भंग करने की या कोई जो है सस्पेंड करने की सिफारिश केंद्र से नहीं की है, लेकिन अगर यही चलता रहा तो हो भी सकता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। लेकिन राजनीति करने वाले लोग, और मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी यही होगी कि हम ढिठाई करेंगे, हम यहीं से सरकार चलाएंगे, अब तुम्हारी हैसियत हो तो तुमने जैसे हमको गिरफ्तार किया है वैसे ही जो है वो क्या कहते हैं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दो, ताकि लोगों से ये कहने का मौका मिले कि देश दिल्ली की लोकप्रिय सरकार को ये चलने नहीं देना चाहिए। तो राजनीति वो भी कर रहे हैं, और वो भी संजय गांधी की तरह जो है वो क्या कहते हैं उन्होंने कोर्ट को ही टारगेट कर लिया है। हालांकि अभी तक आपके किसी कार्यकर्ता ने, आपके लोगों ने, आपकी भीड़ ने दिल्ली के जो राउस एवेन्यू कोर्ट जहां इनके मामले की सुनवाई हो रही वहां कोर्ट के भीतर घुस करके हंगामा नहीं किया, लेकिन कल अगर ये भी हो तो इससे जो है क्या कहते हैं किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राजनीति तो राजनीति है, आप राजनीति कर रहे हो, आप बिना सबूत के ई का कहीं तो ऊ का कहीं तो उन्होंने कहा तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जब इसी पर आधारित आपका पूरा केस है टोटलिटी में, और एक अप्रूवर के जो मेन एक्यूज है उससे आपने पैसा ले लिया है 34 करोड़ रुपए, और आपने उसको सरकारी गवाह बना करके वो बाहर है और बाकी लोग जो है मतलब अंदर है, तो आपको सर नहीं लगता कि ये जो सारा खेल है या जो कांग्रेस को गेले ले 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 करके पता चल गया कि इसमें कौन कौन किरदार है, इसमें कोई पेगासस का रोल है कि नहीं? कोई दिन सवेरे आपके पास पुलिस आए और कहे कि आपने तो माओवादी से बात किया है, तो आपने कहा नहीं हमने नहीं किया, वो कहे नहीं हमारे पास रिकॉर्ड है, तो कैसे वो रिकॉर्ड पहुंच जाएगा बिना आपका फोन टेप किए, या बिना उस जो है जिस आदमी ने आपसे कंट्रोवर्शियल आदमी ने बात किया उसका फोन टेप किए, कैसे पता चल जाएगा कि ये हमारा आपका फोन टेप किए, कैसे पता चल जाएगा कि जेपी सिंह ने रतन लाल जी से बात किया है, रतन लाल जी ने जेपी सिंह से बात किया है? तो इसमें आप कहीं ना कहीं जो इतने जगह पर जो है मतलब अचानक जो है दिव्य दृष्टि खुल गई है, तो ये जो है मेरे हिसाब से सब पेगासस की देन है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पेगासस चलवा रहा है तो हम और आप क्या कर सकते हैं भाई? देखिए कार्यपालिका के कुकृत्यों के विरुद्ध में आपके पास एक ही उपाय है, या तो आप सड़क पर जनता के बीच में जाएं तो लंबा उपाय है, और या और लोगों को मोबिलाइज करें उसके खिलाफ, और या आप जो है क्या कहते हैं कोर्ट के पास जाए रिलीफ लेने के लिए, और कोर्ट आपको रिलीफ ना दे क्योंकि कोर्ट में ने भी इन्होंने क्या कहा तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा उसको कह रहे इट इज वेरी सीरियस मिस्टर केजरीवाल, इट इज वेरी सीरियस। अब वो पता नहीं उसमें क्या है बंद लिफाफे में, लेकिन अब आप गंभीर हो गया तो चलिए। अब बाकी आप प्रशांत भूषण की बात को भी मत भूलिए जिन्होंने खुलेआम आरोप लगाया है कि हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजों के डोजियर जो है सरकार के पास हैं, जिसकी वजह से ये लोग ब्लैकमेल होते हैं। आपने आज तक इसका खंडन न सरकारी पक्ष से सुना होगा और न अदालत ने में हमारे माननीय चीफ जस्टिस है कई जगह भाषण देने जाते हैं, लेकिन आज तक हमें इंतजार करता रहा उसके बाद के मंच से कहेंगे कि कोई जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जजों को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इस तरह की सब बातें मिथ्या वचन है और गलत है, और आज तक अगर उसका खंडन नहीं हुआ, प्रशांत भूषण जी की बात स्टैंड कर रही है, वो प्रशांत भूषण है जिन्होंने अवमानना के तलवार लटकने के बावजूद अपनी बात वापस नहीं लिया आपसे, बता कि ठीक है आप सजा करेंगे, और उनको जो है 1 रुपए की सजा हुई, उन्होंने उस सजा को भुगतान किया, तो आपने 1 रुपए की सजा दी, आप और भी सजा बड़ी भी सजा दे, सजा तो सजा है, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे, उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने ये कहा और ऑन कैमरा कहा, ये भी नहीं है कहीं कि जो है मतलब किसी ने जो है तोल मरोल के छापा हो, और ये सब बात पब्लिक होने के बाद भी प्रशांत भूषण की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हमने जो है ये नहीं कहा था, हमने वो कहा था ये डॉक्टर है या फलाना, ये भी नहीं कहा। तो कहने का मतलब उन्होंने जो आरोप लगाया वो स्टैंड कर, और उसको सेंड करते हुए आरोप को आपने खंडन नहीं किया है, तो क्या माना जाए?
कि भाई जो जज साहब लोग जो राग दरबारी गा रहे हैं कार्यपालिका के साथ जो है मिल करके, तो वो कहीं ना कहीं डोजियर है या डर रहे हो? क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इसके पहले आपके जो है वो अधीनस्थ न्यायालय के जिस जज ने केजरीवाल को एक मामले में जमानत दे दी थी, आपको याद होगा, उस जज का ट्रांसफर हो गया है। अब जो दूसरी अभी कावेरी बवेजा जी के सामने जो ये सब मामला पेश हो रहा है, भाई वो ट्रांसफर के बाद उसी कोर्ट में कावेरी बवेजा गए। क्यों? क्योंकि कोर्ट का जुरिडिक्शन तो एक ही रहता है, डिजिग्नेटेड कोर्ट रहती है कि इनके यहाँ ये मामले की सुनवाई होगी, इनके यहाँ ये मामले की सुनवाई होगी, इनके यहाँ ईडी की सुनवाई होगी। मान लीजिए 2-3 कोर्ट हो तो पता नहीं किस कोर्ट में है, लेकिन अभी मैं दिल्ली में होता तो मैं बता देता। तो अब वो जज जिसने जमानत दिया था उसका ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये बाकी जजों के लिए क्या संदेश है कि हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, और नहीं रहोगे तो ट्रांसफर झेलोगे। आपको क्या कहते हैं, मतलब कम महत्वपूर्ण पद पर पोस्ट किया जाएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट जज आप हैं तो आपको जो है वो क्या कहते हैं वो सिविल जज तो बनाया नहीं जाएगा, लेकिन आपका जुरिडिक्शन बदल जाएगा, आपको उसी में पैदल पोस्टिंग दे दिया, क्या कर लेंगे आप? तो ये सब स्थिति है सर, तो इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। अब अगर दिल्ली जेल मैनुअल के बारे में आप देखेंगे, जहां निर्धारित है कि आप जेल में किसी जो है उसके ऊपर जो भी आप जेल से कोई भी चीज भेजेंगे तो जेलर के माध्यम से भेजेंगे, आप डायरेक्ट उसको नहीं दे सकते, डायरेक्ट जेल में जाके कोई आपका इंटरव्यू नहीं ले सकता, एक दिन में आपसे 3 ही आदमी मिल सकते हैं, वो भी मिलने का एक टाइम निर्धारित है, और जहां मिलते हैं तो वहां जो है जाली लगा हुआ आप देखते होंगे सिनेमा में या जो है ओटीटी पे तमाम जो है सीरियल आते हैं कि एक लोहे की जाली लगे हुए में जो है आदमी आगे से खड़ा हो जाता है और दूसरे पक्ष में जाली की तरह या तुमका वकील हो या जो मिलने का जिनकी लिस्ट आप दिए हैं उन्हीं में से लोग माइक लगा हुआ है। हाँ, माइक लगा हुआ है, और उसके बाद वहाँ पुलिस वाले भी उधर मौजूद रहते हैं देखने के लिए, सादे ड्रेस में भी लोग मौजूद रहते हैं कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आप कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब हर स्तर पर जासूसी और हर स्तर पर वो है। अब ऐसे में 2-2 आदेश आ गया, अब उसमें तो जांच भी शुरू हो गई है, ईडी जांच करे कि कैसे जेल से आपने जो है मतलब आदेश पारित कर दिया है, कैसे आपकी चिट्ठी चली गई है, चिट्ठी आपने कब लिखी, कहाँ लिखी, कैसे लिखी, तो इन सब चीजों की जांच भी शुरू हो गई। लेकिन अब मामला यहाँ है कि तू डाल मैं पार। निपटो भाई, अब जब हम शहीद हुए तो हम ठीक से शहीद होंगे। पॉलिटिकल लड़ाई तो ऐसे ही लड़ी जाती है, ऐसे ही लड़ी जाती है जी। एक सवाल सर जी, जो समझकर गिरफ्तारी हुई थी केजरीवाल को, केजरीवाल भारी पड़ रहे हैं, बीजेपी परेशान है? देखिए सर, पूरे राजनीतिक माहौल में एक अंडर करेंट जो है एक बात का चल रहा है, सही बात है या अफवाह है ये मैं नहीं जानता जी, लेकिन जो चल रहा है, जो मेरे कानों तक पहुंची है, मैं चाहता हूं कि दर्शक भी इस बात को जाने और स्वयं जो घटनाक्रम हो रहा है, जो घटनाक्रम होने वाला है, जो सामने आएगा उस पर जो है उस कसौटी पर उसका आकलन करें। आप देखिए, एक तो आरोप है हेडलाइन मैनेजमेंट का, ये सब इस बीच में कई घटनाएं हुई वो कहीं ना कहीं हेडलाइन मैनेजमेंट करने की थी। इधर आपका जो है वो पूरा चिट्ठा खुल रहा था बांड का, तो उधर केजरीवाल गिरफ्तार हुए। दूसरा बिहार को ही ले लीजिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव ने सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया, जो कि आमतौर पर वन मैन शो पार्टी में चलता है, समर्पित कर दिया जाता है कि अब जो है कांग्रेस अध्यक्ष सारे निर्णय लेंगे, तो अब जो है वो लालू प्रसाद यादव सारे निर्णय लेंगे, अब बहन जी सारे निर्णय लेंगी, अब जो है भाजपा का आला कमान सारा निर्णय लेगा, अब उत्तर प्रदेश का निर्णय का कोई महत्व नहीं है, होता है ना। अब जो है वो डीएमके के जो है सुप्रीमो है वो पूरा निर्णय लेंगे, अब बीजेपी चीफ जो है पूरा निर्णय लेंगे, तो ये जो निर्णय होता है तो उस निर्णय के बाद एक आदमी के हाथ में सिमट जाता है, तो खाली उसको जो है आपको मैनेज कर इनडायरेक्टली डायरेक्टली धमकी देने की जरूरत है कि गुरु बहुत उड़ो मत, और नहीं तो फलाने तुम्हारे जो कमजोर गोट हैं वो जो है डोजियर के आधार पर जो है वो लाल हवेली जाने के लिए तैयार। तो केजरीवाल के साथ
कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के लिए भी संकेत है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती जो ऑलरेडी एक बार जिनका जो है फार्म हाउस सील हुआ था फिर रिलीज हुआ, अभी भी वो सब जो है वो कैश फॉर जाब की तलवार लटकी हुई है। तो लेकिन कहीं केजरीवाल ने तो एजेंडा सेट कर दिया, बोला डरूंगा नहीं, वो कर दिया। हाँ तो ये है कि कहीं ना कहीं ये धमकी देने का उनको भी है कि भाई ये कि तुम जो है कांग्रेस को जो है जलील करो ताकि पब्लिक परसेप्शन उसका खराब हो। तो भाई पता चला कि राहुल गांधी ने भी दौर रूप अपना लिया, हालांकि सब बात अखबारों में नहीं निकली, गोदी मुखिया के दौर सब क्या निकले कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप अकेले लड़ना चाहते तो मुख्यमंत्री तो आपका है ना, हमारा तो मुख्यमंत्री है नहीं, तो हम देखेंगे हम जो 400 सीट पर लड़ेंगे, हारेंगे जीतेंगे क्या होगा, हमारे लिए सत्ता पाना कोई वो नहीं है कि हम तुरंत सत्ता पा रहे हैं, हम 10 साल बाद ही पाएंगे, 5 साल बाद ही पाएंगे, आप अपनी राजनीति करना चाह करो। तो बाप बेटा भाग कर दिल्ली आए थे, बंदर खान समझौता क्या हुआ पता नहीं, पहले हो रहा था इतनी सीट मिलेगी फिर जो है 7 सीट कहने लगे, फिर अब जो है 9 सीट सुनाई पड़ रहा है। जो भी हो वो तो आने वाले समय में चूंकि इतने फेज में इलेक्शन है इसलिए सभी को जो है खेलने का मौका मिल गया, क्योंकि फेज वाइज कैंडिडेट जो है डिसाइड हो रहा है। अब जो उसका 6ठे चरण में 7वें चरण में है उनका भी लटका हुआ, जिनका 5वें चरण में है उनमें भी आधा लटका हुआ, ये भाजपा भी कर रही है, ये जो है कांग्रेस भी कर रही है और लोग भी कर रहे हैं, फेज के हिसाब से जो है अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि पहले डिक्लेयर कर देंगे तो संतोष असंतोष का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए सभी लोग उसमें राजनीति कर रहे हैं, चुनाव आयोग राजनीति करवा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो केजरीवाल ने एजेंडा सेट किया है इसी तरह जो है आपके संजय गांधी ने भी एजेंडा राजनीतिक विरोध का अदालतों में विरोध का जो है एजेंडा सेट कर दिया, और जो अंततः 2-2.5 साल में कांग्रेस की रणनीति के आगे जनता पार्टी आपस के आग्रह दुराग्रह से ध्वस्त हो गई, और वही चरण सिंह जिन्होंने जो है इंदिरा गांधी को जेल भेजा था या जेल भेजने का प्रयास कर रहे थे, अरेस्ट करवाया था, वही चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन गए, हालांकि फिर उनके पैर के नीचे से जो है वो चादर भी खींच लिया, जो है उन्होंने पहले इधर तोड़वाया बाद में चादर भी, भाई राजनीति सभी कर रहे हैं, यहाँ कोई ना किसी का परमानेंट सगा है ना कुछ है ना कुछ है, तो ये सब स्थितियां चल रही सर। अब जैसे मान लीजिए बंगाली है, अब बंगाल में आपको क्या लगता है ममता बनर्जी हर कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार थे, फिर उन्होंने 7.5 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो इसमें इसको आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भाई ठीक है तुम लड़ना चाहो लड़ो लेकिन इनसे समझौता मत करो, ये दबाव हो सकता है नए नए अभिजीत बनर्जी जो है चले जाएंगे जेल, तुम्हारे भतीजे, तो क्यों ना माना जाए कि ऐसा है, हम लोगों की जो ये बात हवा में उड़ रही है हम क्यों ना माने कि ऐसा है। मिला जुला के केजरीवाल ने एक पोलिटिकल एजेंडा सेट कर दिया है और राजनीतिक विक्ट्री दिख रही है। हाँ हाँ जी जी राजीव दीख जी रहे, क्यों कहीं ना कहीं से आवाज आ कि अब किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, और फिर उनके बारे में भी लगातार जो है सब ये फीडबैक और चारों तरफ से जो है वो सब खबरें आ रही, लिखा जा रहा है किससे जो है वो थाली में परोस के आपको जो है क्या कहते हैं भाजपा ने दिल्ली की सीटें दे दी हैं, तो यहाँ तो एक सिर घटने की खबर आने लगे तो सरकार के हाथ पांव फूल जा रहे हैं, पता नहीं अगली बार सरकार की क्या पोजीशन है। अभी समय और ईवीएम की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है, अब तो आपको बता दें कि तमाम कई विपक्षी लोगों से हमारी कल बात हुई थी तो बोले कि भाई साहब इस बार चुनाव में चाहे पुलिस लाठी बरसाए चाहे डंडा बरसाए इस बार जो है वो क्या कहते हैं बैलेट बॉक्स मतलब उसका जो ईवीएम की मशीन है और जो मैंने बैलेट बॉक्स ही कहेंगे उसको चाहे मशीन वाला बैलेट बॉक्स हो चाहे कागज वाला बैलेट बॉक्स, इसकी पूरी अगली बार निगरानी करने की योजना बन रही है कि वहां से वहां तक पूरा गाड़ी का जो के साथ साथ लोग आएंगे स्ट्रांग रूम में रखवाने में आएंगे और स्ट्रांग रूम में जो गड़बड़ी होती है उसको भी जो है कहीं ना कहीं से जो है देखेंगे, और नहीं तो तुरंत इस पर जो है वो क्या कहते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल करेंगे कि इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, ताला तोड़ दिया जा रहा है तो SDM पूछ जा रहा है, तहसीलदार पूछ जा रहा है। जी शुक्रिया सर बहुत शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों जेपी सिंह साहब हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी में पेगासस बाबा की भूमिका है, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया सर।